जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पर आ गए तो आपने अपनी कैनवा ऐप ओपन करनी है, तो अपनी कैनवा ऐप ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो आप जो प्लस वाला आइकन देख रहे हैं ये वाला, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जो कस्टम साइज़ आप देख रहे हैं आपने इस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कोई भी साइज़ रखते हैं जो आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6+400 रख लेता हूँ, ठीक है, ये अच्छा साइज़ है और आपकी NFT भी इसमें अच्छी बन जाएगी, तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये चूज़ होगा, कुछ देर लोडिंग होगी, उसके बाद ये आपका तैयार यहाँ पे हो जाएगा, आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपने प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की साइड पे सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला एलिमेंट्स के नाम से, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जब आपने सर्चिंग बार में जाना, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डॉल्फिन, ठीक है। जैसे मैंने डॉल्फिन सर्च किया, उसके बाद मैं सर्च करता हूँ तो देख रहे हैं काफ़ी सारी डॉल्फिन मेरे सामने आ गए। मैं इसमें से कोई भी चूज़ करके उसकी NFT बना सकता हूँ, तो इसमें तो मुझे ये वाली बेस्ट लग रही, तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने चूज़ की, तो मुझे इसके हिसाब से इसे पूरा यहाँ पे फिट करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फिट कर देता हूँ। जो फिट होगी बिल्कुल, तो इसके साथ मैं कोई और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ एलिमेंट, तो मैं और भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ ये बिल्कुल फिट बैठ गई, तो प्लस वाला आइकॉन देख रहे हैं आप, इस पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ जाके फिर दोबारा आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मंकी, तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा काफ़ी सारे मंकी शो हो जाएंगे। तो मुझे तो चाहिए ये वाला सेकंड वाला, ये वाला मंकी मैं ले लेता हूँ जो पत्थर पे जिसमें बिठा सकूं, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको उठाता हूँ, यहाँ पे पत्थर पे बिठा देता हूँ, थोड़ा सा और पीछे कर रहा हूँ ताकि मैं सही तरीके से अच्छा सेटअप करके बिठा लूँ। मैं जरा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने तरीके से एलिमेंट्स लेके अच्छे तरीके से आप वीडियो की यहाँ पे NFT बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा फिट कर देता हूँ, उसके बाद इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, मंकी का भी और ये फिश जो डॉल्फिन इसका बैकग्राउंड भी, आपने जिसका कलर चेंज करना है आपने उस पर क्लिक करना है, उसका कलर चेंज होगा। अगर आपने मंकी का करना है तो आप मंकी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, आप उसका चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फिश या बैकग्राउंड का करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा। देखिए मंकी पर क्लिक किया, मैं कोई भी कलर लगा तो इस पर कलर लग जाएगा, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आपकी इमेज एक तैयार हो गई। और इससे भी मजीद अगर आप अच्छा इसे बनाना चाहते हैं, तो ये जो प्लस वाला आइकन आप देख रहे हैं ये वाला, आप इस पर क्लिक करें और काफ़ी सारे आप इसमें और एलिमेंट्स यहाँ पे लगा सकते हो, कुछ भी जो आपका दिल करे। जैसे कि आपकी एक इमेज बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी, तो आप इसे सेव कर लें। उसके बाद उसको कलराइज किस तरह करना है बताता हूँ, इस सेव वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसे सेव कर लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऐसा डिज़ाइन जब ये फुल हो जाएगा तो समझ लिया आपकी गैलरी में सेव होगी। जब सेव हो जाएगी उसको और ज़्यादा ऑयली पेंटिंग या ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपको एक और जगह मैं लेकर जाता हूं, वो भी फ्री में, आपको बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मेरी गैलरी में सेव होगी, तो सबसे दोबारा आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना और यहां पे आपने गूगल पे जाना, और गूगल पे जाके आपने वेबसाइट का नाम लिखना है। तो मैं यहां पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूं bfunky.com। ये बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इस वाले पे, तो आपने डेस्क टाइप मोड में आपने कर लेना है। जैसे ही आप इस पर करेंगे आपकी स्क्रीन कंप्यूटर टाइप हो जाएगी, इसके बाद आप गेट स्टार्ट पर काम करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देख रहे फोटो वाला ऑप्शन फर्स्ट पे आ रहा है ये वाला, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिया, कुछ लोडिंग हुई, उसके बाद मुझे कह रहा है कि यहाँ पे अपनी पिक अपलोड करो, इस जगह पे आपकी पिक आ जाएगी। तो कैसे अपलोड करनी है, तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे, बस थोड़ी सी स्क्रीन को जूम करने की कोशिश करता हूँ, मगर स्क्रीन ऑनलाइन होने की वजह से जूम नहीं हो रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं हो रही। चलिए खैर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये जो आप ये वाला ओपन वाला निशान देख रहे हैं आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन है कंप्यूटर वाला, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, बेशक आपके पास मोबाइल है आपका, फिर भी कनेक्ट हो जाएगा, आपसे फाइल्स मांगेगा, तो आपने फाइल्स पर क्लिक करना है और आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आपने जो वहाँ पे इमेज बनाई थी वो वाली आप यहाँ से वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हो। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, कुछ देर बाद ये देखिए मेरी यहाँ पे वो इमेज आ गई है। उसके बाद आपको काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, मैं आपको शॉर्टकटली बताता हूँ आप कौन से इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइन नीचे वाली देख रहे हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ ये वाली निशान वाली, तो आपने इस पर आ जाना है और इस लाइन पर आपको एक आर्ट का ऑप्शन ये वाला मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है, काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, उसके बाद कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इनमें से मैं ये वाला इफेक्ट लगाता हूँ और चेक कर लेता हूँ ये वाला इफेक्ट कैसा लगता है। आप कोई भी जो आप चूज़ कर सकते हैं, आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने लगाई, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और ये लग गई और काफ़ी अच्छी इमेज ये बन गई, मुझे भी ये ठीक लग रही है। बाकी अगर मैं दूसरा यूज़ करके देखता हूँ वो कैसा लगता है, और उस पर ज़्यादा अच्छा लगा तो वॉल्यूम सेव कर लेंगे।
तो मैंने उस पर क्लिक किया तो देखे ये उससे भी ज्यादा अच्छे है जी, मुझे जरा बेस्ट लग रहा है तो यही मैं ठीक है इसे रहने देता हूँ शॉर्टकटली। मैं आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है, तस्वीर वहां पे तैयार करनी, यहाँ पे क्लिक करना आपकी एनएफटी तैयार होगी। उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, आपको एक प्रॉब्लम आएगी जो साइड पे आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये वाला लोगो आपने इसको हटाना है, इसको साथ में नहीं लाना, तो इसका ये है इसको सेव नहीं कर सकती हूँ, पेड है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट आपने इस तरीके से लेना जो मैंने आपको वो मोनोग्राम उसका बताया वो बीच में ना, इस तरीके से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लेता हूँ ताकि वो बीच में बिल्कुल भी ना आए। तो मैंने इसको बिल्कुल इसके फिट करके फिक्स करके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसे मोनोग्राम से उसके बचाना है ताकि हम पकड़े ना जाए, ठीक है। ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके ले रहा हूँ ताकि मेरा वो जो मोनोग्राम थोड़ा साइड पे हो जाए, आपको जिस तरीके से सही सही सेट लगे जहाँ पे आपको, तो आप वहाँ से उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरा बेस्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे ही ऐसे आ रहा है, तस्वीर भी अच्छी आ रही है, एनएफटी भी अच्छी आ रही है, उसका मोनोग्राम भी इसका साइड पर रह रहा है। तो मैं इस तरह यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, जैसे ही सेव होगी तो मैं आपको गैलरी में आज दिखाता हूँ एनएफटी, ये देख सकते हैं मेरी गैलरी में कैसी जबरदस्त एनएफटी बन गई, वो बिल्कुल फ्री में और अपने एंड्रॉइड मोबाइल में मैंने बनाई किसी भी मेहनत के अलावा, सिर्फ कुछ क्लिक वहाँ किए कुछ क्लिक यहाँ। अगर मेरी वीडियो पसंद है ज़्यादा लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।